तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है ना। कोई बिल बजाया तो राज बोले वहां के खड़े होके तुम भीगना है क्या, फिर बुखार आ जाएगा। और अभी पता है ना बुखार आने से सब लोग क्या समझेंगे। मैंने बोला हाँ सही बता रहे हैं, क्योंकि बुखार आना तो आजकल मना है। अब सबको पता है क्यों, वो बोलने की मेरे को कोई ज़रूरत ही नहीं है। और बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा था करके मैंने जो कपड़े सुखाने दिए थे उसको भी अंदर रख लिए, यहाँ पे अंदर रख लिया है। अभी इसको मैं बाहर रखूँगी। और हम लोग का आज का ब्रेकफास्ट भी हो गया है। ब्रेकफास्ट में मैंने खाई थी हाँ कॉर्नफ्लेक्स मिल्क, और राज ने एक शेक ले लिया था प्रोटीन शेक जैसा। मैं इतना देर सोची क्यों क्या खाई थी, जैसे मुझे लग रहा था मैं कुछ और अच्छा चीज़ खाई थी। और अभी ना कुछ से पहले फ़ोन आया था गैस कंपनी से, बोल रहे थे आएंगे, कुछ गैस में प्रॉब्लम है उसको ठीक करना है। क्या प्रॉब्लम है, मैं तो डेली खाना बना रही हूँ, मुझे कुछ पता नहीं चला, उनको कैसे पता चला पता नहीं, आएंगे। मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम है, बोल रहे हाँ जाके ठीक करके बताएंगे आप लोगों को। कपड़ा बाहर निकाल दिए, फिर से वेदर जो है क्लाउडी हो गया है। वेदर का कोई भरोसा नहीं है, कभी क्लाउडी हो जा रहा है, कभी धूप आ रहा है, कभी बारिश हो रहा है, जैसा भी है एंजॉय करो। सिर्फ मेरे को ना गर्मी अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी, वो तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है ना। कोई बिल बजाया हाँ कोई वो आगे शायद वो गैस वाले। चलो मैं आप लोगों से बाद में बात करती हूँ, उनको दरवाज़ा खोल देती हूँ। राज ऑलरेडी खोलने लगा है। आजकल घर में कोई भी आके जाता है ना उसके बाद बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है, क्योंकि पूरे घर को सैनिटाइज करना पड़ता है। जैसे ही वो लोग घर में एंट्री करता है ना तभी मैं हाथ में उनको सैनिटाइजर देती हूँ। वो लोग बोलते भी हैं नीचे हम लोगों को बुखार चेक किया है और सैनिटाइज़र भी दिया है, उसके बाद ही हम लोगों को अंदर घुसने दिया है। मैडम ज़रूरत नहीं, मैंने बोला नहीं फिर भी एयर एक बार सैनिटाइज कर लो। अभी इंस्टॉल करने के लिए आ रहे हैं फ्रिज टीवी और वॉशिंग मशीन। 3 महीने के बाद आज निकला है उसका दिन इंस्टॉल होने का। और हम लोगों ने ना सुबह सुबह चिकन मंगाए थे, तो मैं अभी कब चिकन बनाऊँगी। और चिकन ऐसा नहीं कि मैं फ्रिज के अंदर रख लूँ, क्योंकि फ्रिज तो अभी तक इंस्टॉल हुआ नहीं है, नहीं तो मैं फ्रिज के अंदर डाल देती तो बाद में बनाती, तो बनाना ही है कैसे भी करके। मैं सोच रही हूँ सारे मसाला एक साथ मिक्स करके ढक दूंगी और धीरे धीरे पकता जाएगा। और ऐसे वाला चिकन ना बहुत ही टेस्टी बनता है, ऐसा नहीं है कि ऐसे एक साथ मिक्स करके ढक दिए तो कैसे बनेगा, स्लो फ्लेम में धीरे धीरे बनता रहता है ना, तो बहुत टेस्टी बनता है। सब मसाला एक साथ मिक्स करके चिकन तो बिठा दिया है और यहाँ पे टीवी इंस्टॉल होने लग गए हैं। राज उन लोगों को हेल्प कर रहे हैं क्योंकि उनके साथ एक और आदमी आने का था, मगर वो नहीं आ पाए क्योंकि उनको कुछ प्रॉब्लम है। आजकल जो प्रॉब्लम चल रहा है सबको पता है, कोरोना का प्रॉब्लम, इसलिए नहीं आए हैं। तो राज बोला कोई बात नहीं मैं आपको हेल्प करता हूँ, अगर वो लोग दूसरे लोग के ले के आएंगे उसका इंतज़ार करेंगे तो कब हमारा टीवी इंस्टॉल होगा कोई पता नहीं है। तो इसलिए राज ने बोला कोई बात नहीं एक आदमी भेज दो, मैं उनको हेल्प कर दूँगा। और यहाँ पे फ्रिज इंस्टॉल करने के लिए भी लोग आ गए हैं, एक साथ सब आ गए हैं, तो मेरा सर चकरा रहे हैं क्योंकि मैं क्या करूँ मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उस तरफ वो फ्रिज ओपन कर रहे हैं, मैडम आ जाओ देख लो आपका फ्रिज ठीक है या नहीं है, मैं किस तरफ जाऊँ मुझे पता नहीं चल रहा है। फ्रिज बहुत ही हेवी है, दो लोग संभाल ही नहीं पा रहे थे, बहुत मुश्किल से उन लोगों ने अनपैक किया है, मैं तो डर रही थी कि वो गिर ना जाए।
कर रहे हैं, मगर इंस्टॉल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि वॉशिंग मशीन का जो प्लग है वो प्लग पॉइंट के अंदर नहीं जा रहा है, क्योंकि वो जो जगह है ठीक से कारपेंटर ने काटा नहीं है। मैंने पहले ही बोला था उन लोगों को, हम लोगों ने, कि बड़ा करके काटो क्योंकि वो प्लग जो है वो जाना है। कॉन्फिडेंट के साथ सब कुछ बोल देते हैं, मगर जो कॉन्फिडेंट है वो बाद में जाके ऐसा हो जाता है। अभी वो लग नहीं रहा है, तो इन लोगों के पास हैक्सो नहीं है तो उसको तोड़ के बड़ा करना पड़ रहा है। इतना गुस्सा आ रहा है ना मेरे को, इसलिए मैं आप लोगों को एक बात बोलती हूँ, अगर कारपेंटर से काम करा रहे हैं या तो इंटीरियर से काम करा रहे हैं तो आप लोग ज़रूर इस बात को ध्यान में रखिएगा, आपकी जो ज़रूरत है वो लोग अगर नहीं मान रहे हैं तो उन लोगों को ज़बरदस्ती उस बात को मनवाना है, क्योंकि वो लोग तो ऐसे ही रैंडम करके चला जाएगा, मगर भुगतना बाद में आप लोगों को ही पड़ता है, जैसे मैं भुगत रही हूँ। सब चीज़ इंस्टॉल करके वो लोग गए ना, उसके बाद घर का हालत देखने का था, इतना उधम मचा हुआ था। पूरे घर को हम दोनों ने क्लीन किए, सैनिटाइज किए, उसके बाद दोनों ने नहाए, उसके बाद इतना टायर्ड लग रहा था मैं क्या बोलूँ। 5 बज गए थे, तब तक हमारा लंच नहीं हुआ था, उस टाइम पे हम लोगों ने लंच किए, उसके बाद दोनों खूब सो गए थे। अभी 7:30 बज रहे हैं, अभी उठे हैं क्योंकि इतना टायर्ड हो रहे थे। तो अभी बनाऊंगी चाय, और चाय के साथ थोड़ा सा कुछ स्नैक्स। डिनर के लिए कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोपहर में जो चिकन बनाई थी ना बहुत टेस्टी बना था, और अभी है रोटी बना लूँगी, कम चल जाएगा आज का। आज कुछ बनाने का नहीं है क्योंकि मैं बहुत टायर्ड भी हूँ, बना भी नहीं सकती। ठीक है, अभी फ्रिज को क्लीन करना है मेरे को। सैनिटाइज नहीं करके कुछ भी चीज़ हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, तो पूरे फ्रिज को भी सैनिटाइज करना है मेरे को, उसके बाद ही हम यूज़ कर सकते हैं। आज को अदरक वाले चाय चाहिए तो अभी अदरक कूट रही हूँ, इसलिए कर लिया है। कल से सारा सामान जो है फ्रिज में रख सकते हैं, और मेरा बाल जो है कैसा लग रहा है, पूरा इधर उधर फैल गया है। काम करते करते इतना थक गई हूँ, कुछ चीज़ का कोई ख्याल नहीं है। ओके गाइस, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा। बाय बाय, गुड नाइट।